एक प्रश्न कागज को सॉल्व करेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही ये सत्र 2021-22 का कक्षा 4 का हिंदी कुल अंक 30 मार्क का और समय भी प्रश्नों के उत्तर लिखना आवश्यक है। जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना आवश्यक है, तो इस पेपर को चलिए हम करते हैं नीचे दिए प्रश्न के उत्तर लिखो। 2x3 दो प्रश्न है, 3 मार्क्स ईच के 6 मार्क्स का है। तो पहला है, चूहे ने घर की किन किन चीजों को कुतरा और बिखराया। इससे पहले मैं एक बात कहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको भी मेरे एजुकेशन के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपको कौन से क्लास के चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। So, पहला प्रश्न, चूहे ने घर की किन किन चीजों को कुतरा और बिखराया। इनके दो दो नाम लिखो। आपने वो पोयम पढ़ा था, उसमें चूहा ने क्या क्या कुतरा था, बटन और जूता, और बिखराया क्या था, स्याही और अनाज। स्याही जब बॉटल जब गिर जाती है तो वो बिखर जाता है, और अनाज का जब बोरी काट लेते हैं तो वो बिखर जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की ओर लेसन से धनी कौन था, आश्रम में उसका क्या काम था। उत्तर, धनी एक 8 साल का लड़का था। धनी का काम था बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। तीसरा प्रश्न, मुन्नी अपनी अम्मा से क्या क्या सामान लाई थी। मुन्नी जो कि स्टेज में वे लोग शो कर रहे थे, एक नाटक खेल रहे थे, तो वे लोग अपने घर से सामान लाए थे, तो मुन्नी अपनी माँ से क्या क्या लाई थी। मुन्नी अपनी माँ से आटा, दाल, साग, घी, दही, चीनी आदि लाई थी। अब इनके बारे में लिखो। 3x3=6, 3 मार्क्स का एक प्रश्न। गांधी जी के बारे में 3 बातें लिखो। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है, अब उनके बारे में पढ़ के आपको जो भी पता चला उसमें से 3 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। दूसरा, हमें क्या पता चला, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। तीसरा, गांधी जी हर रोज सुबह सैर करते थे। 5वां प्रश्न, कौन कविता में एक शरारती जीव का वर्णन किया गया है, उसके बारे में 3 बातें लिखो। अब कौन कविता में जो शरारती जीव के बारे में वर्णन किया गया है, वह है एक चूहा। हमें मतलब कि चूहे के बारे में लिखना है। चूहा घर में कपड़ा कागज आदि को काट कर हानि पहुंचाता है। चूहा बिल में रहता है। चूहा काले रंग का होता है। इसके अलावा भी आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, बैल से लिए जाने वाले 3 कामों के बारे में लिखो। आपने बैल देखा है, बैल से कौन कौन से काम किए जाते हैं। बैल खेत जोतने के काम आता है, बैल सामान धोने के काम आता है, और बैल से बैल गाड़ी चलाने का काम आता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दूसरा काम पता है तो आप लिख सकते हैं, आप खुद से भी आंसर्स लिख सकते हैं। ये तो एक सैंपल आंसर्स मैंने बताए हैं, और ये प्रश्न अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आने के चांसेस आ जाते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन आता है उसको अगर दबाते हैं तो आपको मेरे एजुकेशन के वीडियो सबसे पहले मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।